हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं वंदना, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक रेसिपी। मैं आपको एक चटनी बना के दिखाऊंगी। आप ये चटनी जब अपने घर में बनाएंगे और खाएंगे तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मुझे जरूर बताइएगा जब आप ये बनाएं, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कैसी बनी और आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए धनिया एंड ये पीनट हैं, थोड़े से हरी मिर्च चाहिए, और जिंजर थोड़ी सी, हम कैप्सिकम ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी सी लेंगे ताकि इसका कलर जो है चटनी का एकदम ग्रीन आए। उसके लिए हम थोड़ी सी शुगर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम नमक लेंगे, और एक नींबू। तो ये सब इन्हीं सब से हम अपनी चटनी बनाएंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। इसमें आप धनिया डाल देंगे। इसमें हमने धनिया डाल दिया, अब हम इसमें पीनट डाल देंगे। इसको आप चाहे रोस्ट कर लो या ऐसे डाल दो, कोई फर्क नहीं है। तो इसमें हमने ये डाल दिया। इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ ये चार पांच ही डालनी है, थोड़े सी ही। इससे इस चटनी का जो है वो ग्रीन कलर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये आप ज़रूर डालें, हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल लें, और थोड़ा सा ये अदरक डालना है। एक स्पून जो है इसमें हम शुगर डालेंगे, और नमक जो है वो अपने स्वाद अनुसार ही डालना है। फिर हम इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे, नींबू डालेंगे। इसमें जो हमने शुगर डाला है उससे बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा, और बहुत ही अच्छा सा। तो आप ये डाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि चटनी नहीं तो वाटरी हो जाएगी। हम थोड़ा सा ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब हम मिक्स, ये आपकी जो चटनी है वो बनके एकदम रेडी है। आप इसे जिस मर्जी के साथ खाइए, पर आप मुझे बताइएगा जरूर कैसी बनी है।